ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आखिरकार हमें सच्चा प्यार कब मिलेगा और हमसे लोग सच्चा प्यार क्यों नहीं करते, दूसरा प्रश्न ये, और तीसरा ये कि बार बार प्यार में धोखा हमारे साथ क्यों होता है। अगर इन तीनों प्रश्नों से आप अपने जीवन में कोई से भी जूझ रहे हैं या इन तीनों प्रश्नों में से किसी का भी आपको जवाब चाहिए तो वीडियो आपको जवाब दे देगा। हम अक्सर खुद की शांति के लिए और खुद से जितना प्यार करते हैं, हम हमेशा प्यार की तलाश में होते हैं कि हमें कोई प्यार करे और इस जीवन में हम आगे बढ़े, क्योंकि प्यार एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को सुधार देता है, व्यक्ति को एक दिशा दे देता है। तो कब आखिरकार हमारे जीवन में सच्चा प्यार आएगा और आखिरकार हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या उपाय करना चाहिए या कौन सी चीज़ें हमें करना चाहिए जिससे हमें सच्चा प्यार मिले, और क्या हम जिनसे अभी प्यार कर रहे हैं वो हमारा प्यार सच्चा है भी कि नहीं है या हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं, और तीसरी बात कि बार बार प्यार में होने के बाद अगर धोखा मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं तो आप खुद से प्यार करें। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो ज़रूर आपको सच्चा प्यार करने वाला मिल जाएगा, क्योंकि प्यार और ग्लैमर ये सब शुक्र के हाथ में है, और शुक्र का पहला रूल है कि आप खुद से प्यार करें। और आप अगर खुद से प्यार करेंगे, प्यार का ये मतलब नहीं कि आप खुद को बहुत नेगेटिव देखें, खुद से प्यार करें तो आपको इसके परिणाम बहुत कम समय में दिखाई देने लग जाएंगे। दूसरी बात होती है कि बार बार प्यार में धोखा होना या बार बार हमें प्यार में तकलीफें होना, उसके पीछे का मुख्य रीज़न ये होता है कि प्यार एक खुमारी है। उस खुमारी में हम सच को नहीं देख पाते। एक व्यक्ति का मुखौटा, जो एक व्यवहार है, उस मुखौटों को हम सच मान के प्यार करते हैं। आप उसकी सोल को, उसकी आत्मा को, उस व्यक्ति के नेचर पर अपना गहन अध्ययन करें, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। उनको क्या चीज़ें हैं, क्या पसंद है, वो क्या बोलते हैं, किसके लिए क्या सोचते हैं, सब चीज़ों को गहनता से अध्ययन करें तो शायद आप एक अच्छे नतीजे पे स्वयं ही पहुंच जाएंगे। आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे और मैं बात करूं, आप यहाँ तक वीडियो को सुनते आए मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और अगर जीवन में प्यार से संबंधित कोई भी तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, सकारात्मक वे में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागू है दोस्तों। दूसरी बात ये होती है कि कई बार प्यार में या इन चीज़ों में हम लोगों की बातों में आकर चीज़ें करते हैं। कभी भी ऐसी सिचुएशन में ना जाए, आप सच में प्यार करें। जैसे डर, हम वाकई में डरते हैं, डर हमें कोई डराता नहीं, हम खुद डरते हैं, उसे डर को फील करते हैं। इसलिए प्यार के एहसासों को आप महसूस करें, खुद से सबसे पहले तो प्यार करें, तो अब जाके चीज़ें पॉजिटिव।